हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम अवर टीचर प्रेजेंट हियर टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक स्टेप्स फॉर एन ओपन बॉक्स। सो दिस इज आवर 9th यूनिट बॉक्सेस एंड स्केचेस एंड वी हैव स्टार्टेड 2 days बिफोर। इन यस्टरडेज क्लास वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड हाउ टू मेक ए क्यूब फ्रॉम ए और हाउ टू फोल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स टू मेक ए क्यूब। सो आई गिवन यू सो मेनी टास्क यस्टरडे and you did it so well. Now come to the next topic, shapes for an open box. So what do you mean by open box? Open box का मतलब क्या है? कल आप लोगों ने जो क्यूब ड्रॉ किया था, क्यूब में कितने फेसेस थे? Obviously it has 6 faces. Okay, तो ये complete box बनता था। वो एक क्यूब is a complete box. But when we withdraw one face of a cube, we can make it to a ओपन बॉक्स। अगर हम पूरा एक क्यूब का एक फेस हटा देंगे या फिर एक फेस को कट कर देंगे तो क्या होगा? वो एक ओपन बॉक्स बन जाएगा। ओपन बॉक्स मीन्स उसके 6 फेसेस नहीं होंगे, एक फेसेस यानी एक फेस एब्सेंट रहेगा, तो उसको बोला जाएगा ओपन बॉक्स। जैसे कि हमारा ज्योमेट्री बॉक्स होता है तो हम क्या करते हैं, उसको एक फेस में खोलने के लिए होता है। इसे कोई भी बॉक्स हम एग्जाम्पल के तहत लेंगे, स्वीट बॉक्स लेंगे, तो उसका एक फेस खोलने का सुविधा रहता है। तो वैसे ही क्यूब जो है उसमें इसी तरह का कोई अरेंजमेंट नहीं होता है। जो जो शेप्स हम ड्रॉ किए थे उसको अगर एक फेस हटा देंगे तो वो एक ओपन बॉक्स बन जाएगा। सो रिमेंबर द पजल्स विथ 5 स्क्वायर्स इन चैप्टर 3। यू सॉ 12 डिफरेंट शेप्स मेड विथ 5 स्क्वायर्स, पेज नंबर 46। अच्छा, आप लोगों को पेज नंबर 46 ओपन करना है। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स दिया गया है जो कि एक ओपन बॉक्स का एग्जाम्पल है। तो इफ़ यू कट दोज शेप्स एंड फोल्ड देम, सम ऑफ दोज विल फोल्ड इन टू एन ओपन बॉक्स। अच्छा, उसी तरह का अगर आप लोगों ने पेपर को कट किए तो आप आराम से ओपन बॉक्स बना सकते हैं। हियर आर सम एग्जाम्पल शेप्स ऑफ ओपन बॉक्सेस। सो दिस इज ए ओपन बॉक्स, दिस इज ऑल्सो ए ओपन बॉक्स। इज दिस ए ओपन बॉक्स? नो, दिस इज नॉट ए ओपन बॉक्स। तो इसे सिर्फ 5 फेसेस रहने से या फिर 5 स्क्वायर रहने से ओपन बॉक्स होगा, ये कोई लॉजिक नहीं है या फिर ऐसा कोई बात नहीं है। हमें क्या करना है, हमें ट्राई करना है उसको फोल्ड करके कि वो ओपन बॉक्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यू हैव टू ट्राई इफ इट इज गोइंग टू बी ए ओपन बॉक्स और नॉट। नाउ कम टू द क्वेश्चन पार्ट। फाइंड आउट व्हिच ऑफ द अदर 8 शेप्स ऑन पेज 46 कैन बी फोल्डेड टू मेक एन ओपन बॉक्स। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को चारों शेप्स दिए देंगे और 8 शेप्स पेज नंबर 46 से आपको फाइंड आउट करना है। ड्रॉ मोर शेप्स व्हिच विल नॉट फोल्ड टू मेक एन ओपन बॉक्स। अच्छा, ऐसे भी आपको शेप्स ड्रॉ करने हैं जो ओपन बॉक्स नहीं बनेंगे। तो आज के लिए आपको दो काम है। पेज नंबर 46 में जो 12 शेप्स हैं, उसमें 12 से भले ही ज़्यादा शेप्स हैं, 12 शेप्स को फाइंड आउट करना है जो ओपन बॉक्स बन सकते हैं, और वो सारा शेप्स को आपको मैथमेटिक्स कॉपी में ड्रॉ करने हैं। और दूसरा काम है कुछ ऐसे शेप्स भी ड्रॉ करने हैं जिससे हम ओपन बॉक्स नहीं बना सकते। तो आज के लिए दो काम है, फिर से बोल रहा हूँ, 12 शेप्स ऐसे ड्रॉ करने हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं ना, ओपन बॉक्स बना सकते हैं, और ऐसे भी बॉक्स बनाने हैं और ऐसे भी शेप्स बनाने हैं जिसमें हम ओपन बॉक्स नहीं बना सकते। तो आपके लिए एक पेपर फोल्डिंग मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ उससे कैसे हम ओपन बॉक्स बना सकते हैं। मैं एक पेपर कट किया हूं, आपको टाइम मिले तो ऐसे भी एक पेपर कट करना होगा आपको। दिख रहा है ये वाला है ओपन बॉक्स। एक एग्जांपल के तहत ये एक बनाया हूं पेपर कटिंग में। देखो 1, 2, 3, 4, 5 यानी मुझे 5 स्क्वायर का पेपर चाहिए जो एक ओपन बॉक्स बनेगा। देखो इसको मैं बेस देता हूँ, फिर इसको ऐसे किया, इसको ऊपर फोल्ड किया, और ये वाला साइड को यहाँ से और ये वाला साइड को यहाँ से। अगर आपको ऐसे दिखाने लगा तो देखिए, तो एक ओपन बॉक्स ये बना क्योंकि ये 1 साइड 2, 3, 4 और नीचे एक 5 और ये ऊपर वाला खाली रहा। तो इसमें अगर हम देखेंगे कितने फेस है, 1, 2, 3, 4 और जो नीचे है एक 5। तो ये एक ओपन बॉक्स का एग्जाम्पल है। और उसका शेप्स आप फिर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ऐसे देखो, ये एक शेप है, ये एक पेपर का शेप है, यानी ये हमारा मैथमेटिक्स कॉपी में जो स्क्वायर ग्रिड है ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड है, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड है, ये भी 1 है, ये 1 है, और लास्ट में ये भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड है।
तो ये 12 शेप में से एक शेप है, बाकी आप 11 शेप्स अपने कॉपी में फिर से बनाने की कोशिश करें। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।